वो अपने बारे में बताता है कि भाई मैं कैसे गया था, रात को घर से निकल के गया था, तब ये लोग मिले, तो फिर कैसे कैसे पनाह देते हैं, तो वो सारी चीज बस समय की बात है, समय का हेर फेर है, मिल जाएगा बच्चे, बस ये सोच। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग हैं? आप सारे अच्छे होंगे, सब मजे करेंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो भाई अभी जा रहा हूँ एक ऑडिशन के लिए जो कि दिल्ली लक्ष्मी नगर के अंदर हो रहा है, और मैंने अभी रेड कलर की टी शर्ट अपनी पहन ली है। उन्होंने बोला है कि भाई दो, एक टी शर्ट और एक फॉर्मल शर्ट पहन के आनी है, लेके आनी है साथ में, जिसमें वो अलग अलग मूड में ऑडिशन लेंगे। तो भाई मैंने ये ले ली है अपनी, और मुझे ये जो कैरेक्टर है उसमें वेब सीरीज में ये सेकंड लीड का है, और मुझे उन्होंने सारी डिटेल उसकी बता दी है किस तरह से ऑडिशन है, किस मूड में देना है, और स्क्रिप्ट उन्होंने भेज दी है। तो मैं ऑडिशन बना के उन्हें प्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ अभी। ये हो गया शेर खान अपनी साइकिल लेके तैयार। क्या कहाँ जा रहा है? जय पीर बाबा। जा रहा हूँ ऑडिशन के लिए, और आजकल ना मैंने छोटे ऑडिशन देने बंद कर दिए जो दो चार पांच लाइन के होते थे, अब सिर्फ बड़े पे फोकस है, जो सेकंड लीड या फिर फर्स्ट लीड या फिर मतलब विलन टाइप का कुछ ऐसा होना तो वो मैं करूँगा। ये एड वगैरह भी अब कम कर दिए मैंने, कुछ बड़ा मिलेगा तो कर लूँगा वरना नहीं। तो आज ऑडिशन है मेरा, देखता हूँ क्या होता है। ये वेब सीरीज जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ये वेब सीरीज का शूट है और इसका ऑडिशन चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो काफ़ी लोग आएंगे, काफ़ी एक्टर आएंगे वहाँ पर, देखते हैं क्या रहता है। वह गाड़ी खड़ी कर दी है अभी पार्किंग में, और अब चलते हैं ऊपर ऑडिशन देने। ऑडिशन क्या है ना, पूरा मुझे याद है अच्छे से, और देखते हैं अभी क्या होता है, ऊपर जाके पता चलेगा। जहाँ ऑडिशन चल रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे एक्टर आए हुए होंगे अभी जो ऑडिशन दे रहे होंगे, तो देखते हैं कितनी भीड़ है क्या है। वैसे तो मैं सबसे पहले आया हूँ, अब देखते हैं भाई ऊपर जाके पता चलेगा कि मैं पहले आया हूँ या फिर और भी लोग पहले आए हैं। मैंने व्लॉग बनाना भूल जाता हूँ बीच बीच में, अब एक जगह रुका हूँ, रेडी है यहाँ, तो उस पर छोले कुलचे खाऊंगा। बहुत दिन हो गए छोले कुलचे खाए, तो छोले कुलचे खा के फिर निकलते हैं। मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा गया है मेरी तरफ से, तो सच्ची में बहुत अच्छा गया है, आगे पता चलेगा क्या है, उन्होंने भी अच्छा ही बताया वैसे। तो भाई अब देखते क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता है। दिल्ली जो है बनी हुई है सिर्फ संडे को घूमने के लिए, सुबह सुबह आओ या फिर इवनिंग में, उस टाइम आओ जब पीक आवर्स ना हो तब आए, वैसे तो बुरा हाल हो जाएगा गाड़ी चला चला के। मैं पहले सोच रहा था मेट्रो में आऊं, फिर मैं यार मेट्रो से क्या आना, उतना ही टाइम लगेगा, और मेट्रो से फिर धक्के खाऊं वहाँ लक्ष्मी नगर जाके, फिर ऑटो करो, मैं चलो गाड़ी लेके चलता हूँ। फिर ये एक की पार्किंग मिली, वहाँ पार्किंग में लगाई। अगर आप गुड़गांव से दिल्ली गाड़ी लेके आ रहे हो तो ये समझ लो दो तीन घंटे तो लगेंगे लक्ष्मी नगर आने में, और गाड़ी तो अपने कन्वेंस जो आपको बेस्ट लगे वो है ही है, और मेट्रो वैसे बेस्ट है। मेट्रो ना जाम, आराम से बैठ के सोते हुए आओ कैसे आओ, लेकिन भाई इसमें तो थक जाते हैं गाड़ी चलाते चलाते यहाँ, क्योंकि ये जो टाइमिंग इन्होंने दिया है ना ऑडिशन का, ये भी ऐसा टाइम दे दिया कि भाई 11 से और 1 के बीच में, फिर अगर गाड़ी लेके आ रहे वैसे आएंगे मेट्रो में, उसमें वैसे धक्के खाएंगे क्योंकि उतरो फिर जाओ फिर एक ऑटो करो, तो फिर बड़ी दूर जाके गाड़ी पार्किंग करी है मैंने। जो ये ऑडिशन था ये एक ऐसे कैरेक्टर का ऑडिशन था जो हिंदुओं ने पाला था मुसलमान, लेकिन हिंदुओं ने पाला था मुसलमान, उसके माँ बाप मर चुके थे पहले, तो उसकी परवरिश जितनी भी करी वो हिंदुओं ने करी, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा हो जाता है वो आतंकवादी संगठनों से जुड़ जाता है वो, और वहाँ जाके क्या करता है कि धीरे धीरे सबके हिंदुओं के सबका पता बताने की उसमें लग जाता है कि कहाँ क्या है, तो उसे ना लास्ट में पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, फौजी आर्मी पकड़ लेती है हमारी, फिर उसके बाद में वो इंडियन उसमें आ जाता है, तो तब पकड़ के उससे पूछताछ होती है कि भाई कैसे, मतलब किस तरह से तूने ये जो ग्रुप पकड़ा है ये क्यों गया तू इसमें, और जो मिलिट्री में जो था उसका जिसने पाला था वो मिलिट्री में था वो, तो वो लास्ट में आता है, वो कहता है कि भाई आप तुझे बेटा मैंने उसी दिन से मैंने तुझे पाला बेटा असलम, और तूने ये करा है हमारे साथ में, तो इस तरह से ये कैरेक्टर है। और बाद में वो अपने बारे में बताता है कि भाई मैं कैसे गया था, रात को घर से निकल के गया था, तब ये लोग मिले, तो फिर कैसे कैसे पनाह देते हैं, तो वो सारी चीज़ इन्होंने
ये कैरेक्टर इस टाइप का है, तो वही मुझे तो मज़ा आया करने में। तो अब देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या होता है उनका, क्या नहीं। चलो आप लोगों को मैं बता दूं कि कैसा डायलॉग था, क्या मूड था, तो थोड़ा थोड़ा गाड़ी चलाते टाइम मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे भी ड्राइव पे भी ध्यान रखना है और डायलॉग भी बता रहा हूँ। उसमें कहता है कि रात को जब वो निकलता है वहाँ से, निकल जाता है घर से, तो तब की वो स्टोरी बताता है अपनी। कहता है कुछ ऐसा ही अंधेरा था जब मैं रात को निकला था, मालूम नहीं था कि जाना कहाँ है किधर है, मैं चलता रहा। मैं अकेला ही नहीं था इस जंग में, मेरे जैसे और भी लोग इस जंग में शामिल थे। किसी के घर जला दिए गए थे तो किसी की माँ बेटियों के साथ में पुलिस कर्मियों ने। हम ऐसे ही घूमते रहते थे इधर उधर इधर उधर। तो एक दिन हम अपनी आका के साथ में एक गांव में घूम रहे थे, तभी अचानक से हमें खबर मिली कि पास के गांव में एक बारात में कुछ मुखबिर आ रहे हैं। तो इस तरह से डायलॉग है, और जो कि गाड़ी चलाते टाइम अभी प्रॉपर मूड में हो नहीं सकता, प्रॉपर में होगा तो आपको मजा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगी भाई की एक्टिंग क्या है क्या नहीं है। तो ये कभी फुर्सत में फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। अब तो नहीं हुई उल्टी, हाँ अब तो नहीं हुई उल्टी, क्या कर रहा है? आजा सो जा, आजा इधर आ, चलते हैं भाई, जिम जाने का टाइम हो गया मेरा। और आजकल ना यार यही काम है मेरा कि सुबह शाम घर का ही दिखाना, इधर उधर जाने का, ये मेन जो मेरा प्रोफेशनल काम है वो अभी आ नहीं रहा है, तो आप लोग क्या देखोगे। और वैसे आज मैं ऑडिशन देने गया था, आप लोगों ने देख ही लिया है, ऑडिशन आर्टिस्ट तो मैं आर पार हूँ लेकिन बस समय की बात है, समय का हेर फेर है, मिल जाएगा बच्चे, बस ये सोच के मैं कर देता हूँ कि भाई ठीक है आज नहीं तो कल आएगा आएगा। कुछ आजकल मैं भी छोड़ रहा था काम, तो कोई नजदीक का हो तो कर लेता हूँ एक दो दिन का, लेकिन वैसे नहीं यार ज्यादा। वो कहवे ना है कि 12 साल में तो कुड़ी की भी बाल है बाहर है, पता नहीं क्या ऐसी प्रॉपर मुखावत ना हो। तो भाई कुड़ी तो ना है यहाँ, लेकिन 5-6 साल तपस्या की है, अच्छी एक्टिंग सीखी, अच्छी जगह सीखी है और अच्छे गुरु रहे हमारे। तो भाई सही समय सही टाइम आएगा तो अपने आप ही एक्टिंग निकल के आएगी जहाँ भी दिखाएंगे। और वैसे तो ऊपर वाले कृपा से सही काम चलता है, एक्टिंग का जो चाहिए वो मिलता है, ये नहीं कि पहले ऐसा वैसा। तो अब बॉडी बस मेरा ये है कि भाई बॉडी नहीं बन पा रही बस, और तो सारी देखी जा, बाकी देख लेंगे। अभी आ गया घर और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।